बेरमो का सबसे पुराना एक कॉलेज है जिसका नाम है केबी कॉलेज, जो किसी धरोहर से कम नहीं। लेकिन सुविधाओं के अभाव में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ की कुव्यवस्था को दिखा रही हमारी ये खास रिपोर्ट। कब बदलेगी केबी कॉलेज की तस्वीर? बेरमो के सबसे पुराने कॉलेज का हाल बेहाल। कई मंत्री, सांसद, विधायक रह चुके हैं इस कॉलेज के छात्र। कॉलेज का भवन तो है लेकिन निर्माण अधूरा। सीसीटीवी कैमरे तो हैं लेकिन खराब। मास्टर डिग्री की पढ़ाई तो होती है लेकिन प्रोफेसर नहीं। घास फूस, खाली बेंच, धूल भागती लेबोरेटरी और इधर उधर बिखरी पड़ी किताबें ये बताने के लिए काफी हैं कि शिक्षा के इस मंदिर का हाल क्या है। जी हाँ, ये बेरमो का सबसे पुराना केबी कॉलेज है जो 1965 में बना था, यानी कि बेरमो के लिए एक धरोहर। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती और छात्र पढ़ने नहीं आते, लेकिन सुविधाओं के अभाव में यहाँ पढ़ाई मुश्किल हो पाती है। लोगों की समस्या है और यहाँ फॉर्म भरने के टाइम भी बहुत समस्या होती है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं और वेरिफिकेशन करने वाले कम, लाइन लगी रहती है। लेकिन शाम तक लाइन अगर लग जाइए सुबह तो शाम हो जाती है, दो दिन लगता है फॉर्म भरने में। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को यहाँ पे। अपना काल से समस्या के लिए लड़ाई कर रहा है। अभी वर्तमान में ही आप कॉलेज कैंपस में जहाँ देखिएगा छात्रों की काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पर शिक्षकों का भारी अभाव है। कॉलेज में हम लोग ने कुछ वर्ष पूर्व भी भूख हड़ताल का आंदोलन हुआ था एबीवीपी के द्वारा कि यहाँ पर पीजी की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई प्रारंभ किया जाए। कॉमर्स तो प्रारंभ हो गई लेकिन पीजी नहीं प्रारंभ हुई। अभी आप भीड़ में देख रहे होंगे छात्रों को, हजार छात्रों पर एक दो शिक्षक है, गार्ड है, जिससे छात्रों का काफी समस्या हो रही है। कॉलेज के इस हाल पर जब कॉलेज के प्रिंसिपल से जवाब जानने के लिए हम पहुंचे तो वो खुद को बेकसूर साबित करने लगे और डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। के द्वारा रिनोवेशन कार्य माने चल रहा है 2017 से, समझे ना। ये जो जितने क्लासरूम में इसको रिनोवेशन माने करना था तो कर चुका है, इसके चलते उसका डिले हुआ है। और वो माने राज्य सरकार जो है, झारखंड राज्य सरकार भवन निर्माण विभाग से माने ये करना था तो अधूरा काम माने छोड़ करके चल गए। तीन प्रिंसिपल इसके पहले भी काम नहीं हुआ। बेरमो का केबी कॉलेज कभी बोकारो जिले का इकलौता कॉलेज हुआ करता था। यहीं से पढ़ाई कर कई विधायक, सांसद और मंत्री आगे बढ़े। लेकिन आज इस शिक्षा के घर का हाल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। सवाल है कि आखिर इस कॉलेज के साथ मजाक हो क्यों रहा है? उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है जो इतनी उम्मीदें लेकर अपना भविष्य गढ़ने यहाँ आ रहे हैं? न्यूज 11 भारत के लिए बेरमो से चंदन दुबे की रिपोर्ट। और सहयोगी चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, इतनी तमाम सुविधाएं होने के बावजूद आज ये कॉलेज कुव्यवस्था के वजह से यहाँ पर आने वाले छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। देखिए, जब मैं केवी कॉलेज गया तो वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय देखी। वहाँ कॉलेज की कई बिल्डिंग आज भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। वहाँ शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ाई तो कॉलेज में हो रही है लेकिन प्रोफेसर की कमी है उस कॉलेज में। और विडम्बना ये देखिए कि उस केवी कॉलेज से झारखंड के कई दिग्गज नेता उस केवी कॉलेज से उभर कर निकले, जिसमें माधवलाल सिंह हैं, अभी वर्तमान में विधायक लंबोदर महतो हैं, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे हैं। इन्होंने उस कॉलेज से पढ़ाई करके और अपनी एक छवि और झारखंड की छवि को भी, देश की छवि को भी चमकाने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ वो कॉलेज आज रो रहा है और दयनीय स्थिति में है। छात्रों में बहुत ज़्यादा रोष मुझे दिखा और कई छात्र मेरे समक्ष आए और मुझसे बातें की, अपनी शिकायतों को रखा। उनकी शिकायत थी कि यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू तो हुई लेकिन प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही। जाहिर तौर पर प्रोफेसर नहीं है यहाँ पर, कुव्यवस्था का आलम यह है कि बच्चे
पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आखिर केबी कॉलेज की तस्वीर कब बदलेगी? बेरमो के सबसे पुराने कॉलेज का ये हाल हो रखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।